आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन कैसे यूज की जाती है। अक्सर आपने दुकानों पर शोरूम्स में एक मशीन देखी होगी जिससे कस्टमर से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI के थ्रू पेमेंट लिया जाता है। इसी को POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहा जाता है। सो POS मशीन कैसे मिलती है, इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, कस्टमर से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू पेमेंट कैसे लिया जाता है, कैसे रिफंड दिया जाता है, ये कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक पॉइंट ऑफ सेल यानी POS मशीन है जिससे आप कस्टमर से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं और आप कस्टमर से EMI पर भी पेमेंट ले सकते हैं। ये कई कंपनीज की आती है, मेरे पास पाइन लैब्स की है जो मुझे HDFC बैंक करंट अकाउंट के साथ फ्री में मिली है। तो ये डिवाइस लेने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप किसी भी बैंक में करंट अकाउंट ओपन करा लीजिए, उसके साथ आपको ये POS डिवाइस फ्री में मिल जाएगी। करंट अकाउंट आप सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ ओपन करा सकते हैं और आपका करंट अकाउंट इस POS मशीन के साथ लिंक हो जाता है। तो आप इस मशीन से जो भी पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे उसका सेटलमेंट आपके करंट अकाउंट में होता रहेगा। देखने में ये मशीन एक मोबाइल के जैसी लगती है, इसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है तो इसको यूज करना काफी आसान है। इसमें आपको एक पावर बटन मिलता है जिससे आप इस मशीन को ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन के बटन मिलते हैं। यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको एक रिचार्जेबल बैटरी मिलती है। इस तरह से आपको एक रिचार्जेबल बैटरी मिलती है। एक बार इसको फुल चार्ज करने के बाद आप 2-3 दिन तक इसको यूज कर सकते हैं। इसको चार्ज करने के लिए इसके साथ एक USB केबल आता है जिससे आप किसी भी मोबाइल फोन के चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। बैक साइड में आपको फ्लैश के साथ एक कैमरा मिलता है जिससे आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। नीचे की साइड में आपको एक स्पीकर मिल जाता है जिससे आपको नोटिफिकेशन सुनाई देती है। नीचे यहाँ से आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं और यहां से आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर सकते हैं। ऊपर यहां से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को टैप कर सकते हैं पे करने के लिए। इसमें यहां ऊपर आपको रिसीप्ट पेपर मिल जाता है। जब भी आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो इसमें 2 रिसीप्ट्स प्रिंट होती है, एक कस्टमर के लिए और एक आपके रिकॉर्ड के लिए। जो कंपनी आपको POS मशीन देती है वो मशीन के साथ में इस तरह के काफी सारे पेपर बंडल्स देती है जो इसमें आप लगा सकते हैं। ऑन करने पर इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है तो यूज करने में ये आपको बिल्कुल मोबाइल फोन के जैसा ही लगेगा। इस तरह से आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं और यहीं से आप इसकी ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें एक सिम कार्ड आता है तो आप GPRS के थ्रू भी इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आपको कैमरा मिलता है तो इससे आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। इस तरह से एक ठीक ठाक कैमरा इसमें आपको मिल जाता है जिससे आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं और वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए आप पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे। अगर आपको UPI के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करना है तो आप UPI पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट आपको एक्सेप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 100 रुपीज यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद सबमिट करेंगे। इस तरह से UPI कोड जनरेट हो जाएगा। कस्टमर किसी भी UPI एप्लीकेशन से इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। जैसे कि मैं इसको फोन पे में स्कैन कर लेता हूँ। इस तरह से कस्टमर स्कैन करेगा तो उसके सामने आपकी शॉप का नेम आ जाएगा और वो अपना UPI पिन डालकर पेमेंट कर सकता है। पेमेंट कम्प्लीट होते ही रिसिप्ट प्रिंट हो जाएगी जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं और आप कस्टमर के लिए भी प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से रिसिप्ट प्रिंट हो जाती है। इसमें आपकी शॉप का नेम और पूरा एड्रेस होता है और साथ ही अमाउंट भी होता है। अगर आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट लेना है तो आप पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे। इसमें आप एक्सेप्ट पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब ये तो आप कस्टमर का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इसमें इंसर्ट करेंगे या फिर आप स्वाइप भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसमें डेबिट कार्ड इंसर्ट कर दिया है तो इसके बाद आप अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट आप कस्टमर से लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 100 रुपीज यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद सबमिट करेंगे। इसमें आप इनवॉइस नंबर डाल देंगे जैसे कि मैं डाल देता हूँ 01। इसके बाद आप कस्टमर से पिन एंटर करने को बोलेंगे और जैसे ही कस्टमर पिन एंटर करेगा तो आप ये ग्रीन बटन प्रेस करेंगे। इस तरह से कस्टमर के पिन डालने के बाद आप ये एंटर बटन प्रेस करेंगे, पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा और स्लिप जनरेट हो जाएगी जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं और साथ ही ये प्रिंट भी हो जाएगी। इसके बाद आप कस्टमर के लिए भी एक कॉपी प्रिंट कर सकते हैं जैसे कि मैं इसको नो कर देता हूँ। इसके बाद आप कार्ड रिमूव कर सकते हैं। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से
पेमेंट एक्सेप्ट करने पर भी इस तरह से रिसिप्ट प्रिंट हो जाती है, इसमें भी आपको सभी डिटेल्स मिल जाती है। अगर आपने कस्टमर से पेमेंट ले लिया है लेकिन किसी वजह से आपको रिफंड करना पड़ता है तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। इसके लिए आप पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे, इसमें आप एक्सेप्ट पेमेंट पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको ब्राउज अदर ऑप्शंस पर क्लिक करना है। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहीं से आप ईएमआई पर पेमेंट ले सकते हैं, रिसिप्ट को दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं। रिफंड करने के लिए आप वॉइड पर क्लिक करेंगे, इसमें आप अमाउंट डालेंगे कितना अमाउंट आपको रिफंड करना है। इसमें आपको ट्रांजेक्शन आईडी डालनी होगी जो कि रिसिप्ट पर लिखी हुई होती है, जैसे कि इस रिसिप्ट में आप देख सकते हैं ये है ट्रांजेक्शन आईडी, तो ये आपको डालनी होगी रिफंड करने के लिए। और इसमें यहाँ पर मैं ये ट्रांजेक्शन आईडी डालूंगा जिसका मुझे रिफंड करना है। इसके बाद सबमिट करेंगे, रिफंड सक्सेसफुल हो जाएगा और साथ ही रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी और ये प्रिंट भी हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रिंट हो रही है। इसी तरह से आप कस्टमर के लिए भी एक कॉपी प्रिंट कर सकते हैं, प्रूफ के लिए आप कस्टमर को ये रिसीप्ट दे सकते हैं। ये तो बात हुई कि आप कस्टमर से पेमेंट कैसे एक्सेप्ट करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपको सेटलमेंट कैसे करना है, यानी जो भी पेमेंट आपने एक्सेप्ट किए हैं उनको आप अपने बैंक अकाउंट में सेटल कैसे करेंगे। इसके लिए आप ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटल बैच, इस पर आप क्लिक करेंगे। जितना भी अमाउंट आपने एक्सेप्ट किया है वो सब सेटल हो जाएगा, आप यहां से रिकॉर्ड के लिए प्रिंट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप पॉइंट ऑफ सेल यानी POS मशीन यूज कर सकते हैं और आप कस्टमर से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।